आपने देखा था पहले भाषा के अंग में वर्ण अक्षर को, दूसरा है शब्द। एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कौमुदी, पुष्प, मदन आदि। अगला है तीसरा वाक्य। शब्दों को प्रायः समूह में बोलकर या लिखकर ही हम अपने भाव अथवा विचारों को प्रकट करते हैं। तो शब्दों के ऐसे समूह जिसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। अब अगली ओर बढ़ते हैं। लिपि, अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों का तथा लिखित भाषा में अक्षरों का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। लिखित भाषा की ध्वनियों को जिस विधि द्वारा संकेत चिन्हों में लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो देवनागरी में लिखी जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, बंगला भाषा की लिपि बंगला, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी तथा संस्कृत की लिपि जो है देवनागरी। अब आगे है बच्चों बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। इस प्रकार एक ही प्रांत में कई बोलियां बोली जाती हैं, जबकि भाषा लिखने का मुख्य साधन है। अब जिस का हम अध्ययन कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं, व्याकरण। किसी भी भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके नियमों से भाषा के शुद्ध रूप को बोला और लिखा जाता है। व्याकरण के चार भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण, आकार, प्रकार, वर्णों के शब्द बनाने के नियमों का वर्णन होता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के प्रकार, रूपांतर, प्रयोग, शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनाने, उनके प्रयोग, वाक्यों का विग्रह आदि का वर्णन होता है। पद विचार, इसमें पद या उसके भेदों का वर्णन किया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तथा वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बच्चों यह पहला पाठ आपका समाप्त हुआ। इससे जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको तो हम लिख करके आपको बता देंगे, लेकिन कुछ रिक्त स्थानों की पूर्तियां हैं जिसको हम कहते हैं। ध्वनियों के संकेत या चिन्ह कहलाते हैं, बीच में खाली है। तो आप जानते हैं ध्वनियों के संकेत या चिन्ह वाण कहलाते हैं। भाषा के विकास की कहानी मनुष्य के ब्लैंक के चलती है, समय के अनुसार चलती है या समय के साथ चलती है। मौखिक भाषा को ब्लैंक भाषा भी कहते हैं, उच्चरित भाषा। व्यक्ति भले ही अधिक ना पढ़े किंतु उसे ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक मीन्स ज्ञान, यानी ब्लैंक के जब क्या लिखेंगे, ज्ञान। मनुष्य भले ही अधिक ना पढ़े किंतु उसे ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले शास्त्र को, बीच में रिक्त है, कहते हैं, आप जानते हैं, व्याकरण होगा। इस तरह से और कुछ दिया हुआ है, कुछ भाषाएं हैं जिनकी ध्वनि लिपियां बतानी है आपको। उर्दू फारसी लिपि है, बंगाली बांग्ला लिपि है, संस्कृत देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि है। इस तरह से यह पहला पाठ आज समाप्त हुआ। इससे संदर्भित प्रश्नों को
आपको गृह कार्य में करना है जिसे मैं आप तक उपलब्ध करा दूंगा।